दोस्तों, मैं और ज्ञान चौधरी, आप देख रहे हैं ऑनलाइन भास्कर। स्विमिंग क्लब वेवगार्ड ने पंजाब में तैराकी में सुधार पर फोकस करते हुए तैराकी को आगे बढ़ाने और एथलीटों और कोचों के हितों की रक्षा के लिए द मोहाली क्लब विंडम में एक सभा का आयोजन किया। इस कार्यक्रम को उत्कृष्टता और जवाबदेही की दिशा में एक पहल के रूप में देखा जा रहा है। आयोजन का मकसद पंजाब में तैराकी के खेल में उपलब्धियों का जश्न और तैराकी की विधा में सुधार पर विचार करना था। इस अवसर पर गतिशील विचार मंथन सत्र हुआ, जिसमें क्षेत्र में तैराकों और प्रशिक्षकों के सामने आने वाले गंभीर मुद्दों पर गहराई से चर्चा की गई। इस बात पर सहमति हुई कि उचित और नियमित राज्य चैंपियनशिप होनी चाहिए, जिससे तदर्थ परीक्षण प्रणाली की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी, जिसके कारण अक्सर तैराकों को खेल विभाग से ग्रेडेशन प्रमाण पत्र प्राप्त करने में परेशानी होती है। इसके अतिरिक्त कार्यक्रम में राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाली टीमों के लिए उचित यात्रा व्यवस्था के महत्व पर भी चर्चा हुई। यह सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया कि राष्ट्रीय स्तर पर सफलता के लिए अनुकूल माहौल को बढ़ावा देने के लिए इन टीमों के लिए व्यापक यात्रा सहायता प्रदान करना आवश्यक है। समारोह में 50 मीटर फ्रीस्टाइल में राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक जसनूर कौर और उनके कोच जॉनी भाटिया सहित उत्कृष्ट तैराकों को सम्मानित किया गया। वेवगार्ड ने अपनी उल्लेखनीय उपलब्धियों का जश्न मनाया और आगे उत्कृष्टता की दिशा में उनकी यात्रा का समर्थन करने का वचन दिया। सफल आयोजन में वेवगार्ड ने तैराकी समुदाय की भावना को प्रतिध्वनित किया। यह बदलाव जवाबदेही और पंजाब में तैराकी उत्कृष्टता की खोज का समय है। क्लब भ्रष्टाचार को खत्म करने, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के माध्यम से कोचिंग पद्धतियों को बढ़ाने और तैराकों और कोचों के लिए समान रूप से अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने के अपने मिशन में दृढ़ है। वेवगार्ड उन सभी प्रतिभागियों, तैराकों, कोचों, अभिभावकों और अधिवक्ताओं के प्रति अपना आभार व्यक्त करता है, जिन्होंने इस ऐतिहासिक प्रयास में हाथ मिलाया। दोनों ने मिलकर पंजाब तैराकी में उज्जवल भविष्य की दिशा तय की है। स्विमिंग क्लब वेवगार्ड ने पंजाब में तैराकी में सुधार पर फोकस करते हुए तैराकी को आगे बढ़ाने और एथलीटों और कोचों के हितों की रक्षा के लिए द मोहाली क्लब विंडम में एक सभा का आयोजन किया। इस कार्यक्रम को उत्कृष्टता और जवाबदेही की दिशा में एक पहल के रूप में देखा जा रहा है। आयोजन का मकसद पंजाब में तैराकी के खेल में उपलब्धियों का जश्न और तैराकी की विधा में सुधार पर विचार करना था। इस अवसर पर गतिशील विचार मंथन सत्र हुआ, जिसमें क्षेत्र में तैराकों और प्रशिक्षकों के सामने आने वाले गंभीर मुद्दों पर गहराई से चर्चा की गई। इस बात पर सहमति हुई कि उचित और नियमित राज्य चैंपियनशिप होनी चाहिए, जिससे तदर्थ परीक्षण प्रणाली की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी, जिसके कारण अक्सर तैराकों को खेल विभाग से ग्रेडेशन प्रमाण पत्र प्राप्त करने में परेशानी होती है। इसके अतिरिक्त कार्यक्रम में राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाली टीमों के लिए उचित यात्रा व्यवस्था के महत्व पर भी चर्चा हुई। यह सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया कि राष्ट्रीय स्तर पर सफलता के लिए अनुकूल माहौल को बढ़ावा देने के लिए इन टीमों के लिए व्यापक यात्रा सहायता प्रदान करना आवश्यक है। समारोह में 50 मीटर फ्रीस्टाइल में राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक जसनूर कौर और उनके कोच जॉनी भाटिया सहित उत्कृष्ट तैराकों को सम्मानित किया गया। वेवगार्ड ने अपनी उल्लेखनीय उपलब्धियों का जश्न मनाया और आगे उत्कृष्टता की दिशा में उनकी यात्रा का समर्थन करने का वचन दिया। सफल आयोजन में वेवगार्ड ने तैराकी समुदाय की भावना को प्रतिध्वनित किया। यह बदलाव जवाबदेही और पंजाब में तैराकी उत्कृष्टता की खोज का समय है। क्लब भ्रष्टाचार को खत्म करने, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के माध्यम से कोचिंग पद्धतियों को बढ़ाने और तैराकों और कोचों के लिए समान रूप से अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने के अपने मिशन में दृढ़ है। वेवगार्ड उन सभी प्रतिभागियों, तैराकों, कोचों, अभिभावकों और अधिवक्ताओं के प्रति अपना आभार व्यक्त करता है, जिन्होंने इस ऐतिहासिक प्रयास में हाथ मिलाया। दोनों ने मिलकर पंजाब तैराकी में उज्जवल भविष्य की दिशा तय की है। भैया, अगर आप लोगों को खबर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और धन्यवाद साथियों।